उत्तर प्रदेश फरुखाबाद के इटावा बरेली हाईवे पर एक चलती कार में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली अंतर्गत आवास विकास निवासी नरेंद्र त्रिपाठी की यह कार है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर रखा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जल गया है। फरुखाबाद से अमित औदेची की रिपोर्ट। हम यहीं पे खड़े हुए थे रोड किनारे पे, गाड़ी जा रही थी, धुआं निकला गाड़ी में, तो हम लोगों ने आवाज़ दी। आवाज़ देने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के एकदम गाड़ी में आग लग गई। हम लोग गए एकदम भाग के, खिड़की खोल के लोगों को निकाला, जैसे तैसे पांचों लोगों को, पांचों लोग सुरक्षित हैं। आज स्टेशन पर आग की सूचना मिली, पहले तत्काल प्रभाव से वहाँ से आया और आने के बाद आग पर काबू पाया और कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लगभग कितने लोग गाड़ी में सवार थे? करीब 5-6 आदमी सवार थे। 5 तो कोई जनहानि नहीं हुई है? कोई जनहानि नहीं हुई।